गर्मा गर्म क्रिस्पी और जबरदस्त फिश फ्राई तो हमारी रेडी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फैम। हैदराबादी दावतों की बहुत ही ज़्यादा फेमस और फेवरेट फ़िश फ्राई की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार कैसे बनती है, इसकी सीक्रेट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ मज़ेदार चटनी की रेसिपी भी सिखाऊंगी आपको। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल कुक विद फैम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये मज़ेदार और क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाना हम शुरू करते हैं। हैदराबादी शादियों वाली फेमस क्रिस्पी फिश फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो फिश यानी मछली, ये बोनलेस है। इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लें, अच्छे से धो लें। मछली धोने के बाद इसमें जो भी पानी रहेगा वो कम्प्लीटली सुखा लें। अब नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी हैं। ये स्पेशल अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो नॉर्मल अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, आधे नींबू का है ये। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, आधा टी स्पून। 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालिए, काली मिर्च पाउडर डाल दें आधा टी स्पून। 2 टेबलस्पून भर के रेड चिल्ली सॉस डालिए, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर आधा टीस्पून। नेक्स्ट इसमें डालिए 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। मछली के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। इसी दौरान जो मसाले हैं वो मछली के अंदर तक अच्छे से एंटर होंगे और मछली को अंदर से भी टेस्टी बना देंगे। अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो मछली अंदर से थोड़ी सी फीकी लगेगी। आधा घंटा हो चुका है, अब हमें मछली फ्राई करनी है। लेकिन मछली फ्राई करने से पहले हम इसमें और थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, इससे अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा मछली में और बाइंडिंग के लिए भी ये काम आता है। नेक्स्ट इसमें डालिए चावल का आटा 2 टेबलस्पून, इससे भी बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। अगर आपके पास चावल का आटा यानी राइस फ्लावर ना हो तो आप थोड़े से चावल ले लें, अच्छे से धो के सुखा के ग्राइंड कर लें, चावल का आटा रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गरम तेल डालिए 2 टीस्पून, हल्का सा गरम करके डालिए। ये भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्रिस्पी फिश फ्राई के लिए, यानी इससे क्रिस्पीनेस आएगा। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि शादियों में डाला जाता है, इसीलिए ऐड कर रही हूँ। बिना इसके भी आप आराम से बना सकते हैं, इससे मछली अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी फ्राई करने के बाद। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें फिर से। ये भी मछली के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, देखिए मिक्स करने के बाद ये कितना ड्राई है। ऐसा ही हमें चाहिए, तभी मछली अच्छे से क्रिस्पी बनती है। अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहा तो मछली क्रिस्पी नहीं बनती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, देख लें। इसीलिए मछली धोने के बाद अच्छे से सुखा लें। मछली हमारी मैरिनेट होने तक हम एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सर का जार ले लें और इसमें डालिए पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी भर, धनिया के पत्ते 2 मुट्ठी, अच्छे से धो के डालिए। दो हरी मिर्च और एक लाल सूखी मिर्च, 4 लहसुन के कलियां, 1 छोटे साइज की प्याज काट के डालिए, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। चाट मसाला 1 टीस्पून भर के डाल दें और नमक थोड़ा सा डालिए पहले, अगर आपको कम लगा तो बाद में आप डाल सकते हैं, बाद में चाप के डाल दें नमक। आखिर में इसमें 3 टेबलस्पून भर के टैमरिंड पल्प डालिए, यानी इमली का खट्टा पानी, इमली का पल्प। थोड़ी सी इमली को पानी में भीगने रख दें, उसे अच्छे से मैश करके ये पानी निकालें छान के, इसे पीस लें। अब
ये यूनिक स्टाइल मजेदार खुशबूदार चटनी तो हमारी रेडी है। चलिए मछली फ्राई करना शुरू करते हैं। मछली फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल अच्छे से गर्म कर लें। तेल हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हम मछली डीप फ्राई कर रहे हैं। बेहतर होगा मछली फ्राई करने के लिए आप एक नॉनस्टिक पैन का यूज करें। अगर स्टील या एल्यूमिनियम में फ्राई करेंगे तो मछली फ्राई करते वक्त चिपक जाती है। तेल तो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, धीरे से मछली के पीसेस इसमें डालते जाइए। मछली के पीसेस को बैचेस में ही फ्राई करिए। मछली को फ्राई होने में बस एक 4 से 5 मिनट ही लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, और फ्राई करते वक्त ख्याल रखिए टूटने ना दें, बहुत डेलिकेट होती है ये। देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी और ज़बरदस्त फिश फ्राई तो हमारी रेडी है। मछली तलते वक्त इसमें थोड़े से करी पत्ता डालिए, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी मछली में। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी फिश फ्राई। इसे गर्मा गर्म खाइए हरी चटनी के साथ, बहुत बहुत मजा आएगा। इसे आप एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, रमजान में इफ्तार के वक्त जरूर बना के खाइए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आज की मज़ेदार फिश फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। बहुत डिलीशियस है। इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जाते जाते चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब करते जाइए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल भी सेलेक्ट करें, तभी आपको मेरे वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे।